तो फ्रेंड्स, आईपीएल 2021 के ऑक्शन को लेकर बीसीसीआई की मीटिंग में बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है कि इस साल मेगा ऑक्शन ना होकर अगले साल मेगा ऑक्शन होगा। इस साल हमें केवल मिनी ऑक्शन देखने को मिलेगा और मिनी ऑक्शन होने से यहाँ पर तीन आईपीएल टीमों को काफ़ी अधिक नुकसान हुआ है। तीन आईपीएल टीमों ने यहाँ पर मिनी ऑक्शन का विरोध किया है और मिनी ऑक्शन से इन तीन टीमों को काफ़ी अधिक समस्याएं हो गई। मैं इस वीडियो में आपको उन तीनों टीमों के नाम बताऊंगा और बताऊंगा कि आखिर मिनी ऑक्शन होने से इन टीमों को क्या समस्याएं हुई है और आखिर किन कारणों के चलते हुए इन टीमों ने मिनी ऑक्शन का विरोध किया है। तो ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे YouTube चैनल पर अब दूसरा गिव अवे शुरू हो चुका है। इसमें आपको सभी आईपीएल टीमों की वॉचेस गिफ्ट करी जाएगी जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसको जीतने के लिए आपको सिंपल से दो स्टेप करने होंगे। पहले स्टेप में आपको हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जबकि दूसरे स्टेप के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां से क्लिक करके आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। जब भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर 5000 मेंबर्स हो जाएंगे तो उन्हीं 5000 मेंबर्स में से किसी 8 लकी मेंबर्स को उनकी फेवरेट आईपीएल टीम की यहाँ पर वॉच गिव अवे करी जाएगी, यानी फ्री में गिफ्ट दी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, अभी ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि मिनी ऑक्शन का कौन सी तीन टीमों ने विरोध किया है और कौन सी तीन टीमों को इस साल मिनी ऑक्शन होने से सबसे अधिक नुकसान होगा। इसके बाद वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि अब बीसीसीआई अपने इस फैसले को बदलेगी या फिर नहीं, इस साल आखिर मिनी ऑक्शन ही होगा या फिर मेगा ऑक्शन होगा। अगर हम बात करें उन तीन टीमों की तो इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है सीएसके की टीम का। दरअसल सीएसके की टीम को मिनी ऑक्शन होने से सबसे अधिक झटका लगा है, इस टीम को सबसे बड़ा झटका लगा है, सबसे अधिक इस टीम को नुकसान हुआ है क्योंकि ये टीम इस साल मेगा ऑक्शन की तैयारियों में लगी हुई थी। ये टीम प्लानिंग कर रही थी कि केन विलियमसन को और न्यूजीलैंड के टीम शाइफर्ड को, इसके साथ ही एमआई की टीम के ईशान किशन और ट्रेंट बोल्ट को परचेस किया जाए। इसके साथ ही ये टीम राजस्थान रॉयल्स के मयंक मार्कंडे को परचेस करने की भी प्लानिंग में थी, लेकिन अब इन सभी में से कोई भी प्लेयर शायद ऑक्शन में ना आता हुआ दिखे। इससे इस टीम को काफी बड़ा नुकसान होगा क्योंकि सीएसके की टीम पिछले साल सबसे पिछड़ी ऑन पेपर दिख रही थी। ये टीम पॉइंट टेबल में नंबर 8 पर रही थी, काफी खराब इस टीम का प्रदर्शन रहा था। अंतिम के कुछ मैचेस में अच्छा प्रदर्शन करके ये टीम पॉइंट टेबल में नंबर 7 पर आ गई थी, अदरवाइज काफी खराब इस टीम का पिछला सीजन रहा था। इस वजह से इस टीम ने बीसीसीआई के इस फैसले का विरोध किया है और यहाँ पर सीएसके की टीम के ओनर्स ने बीसीसीआई को लेटर लिखा है। हालांकि अभी तक बीसीसीआई ने इनको जवाब नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर सीएसके की टीम को काफी बड़ा झटका लगा है। इससे सीएसके की टीम को अब इस ऑक्शन में बड़ा नुकसान होगा। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग सीएसके की टीम को कौन कौन से प्लेयर्स परचेस करने चाहिए ताकि ये टीम 2021 के सीजन में ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग दिख सके। इसके बाद बात करते हैं दूसरी टीम की, तो दूसरे नंबर पर नाम आता है पंजाब की टीम का। दरअसल पंजाब की टीम को भी यहाँ पर मिनी ऑक्शन होने से नुकसान हुआ है क्योंकि मेगा ऑक्शन होने पर ये टीम यहाँ पर मार्की प्लेयर्स को परचेस कर सकती थी। हालांकि पंजाब का स्क्वाड ऑन पेपर ठीक ठाक नजर आता हुआ दिखा है, लेकिन इस टीम को यहाँ पर विदेशी तेज गेंदबाजों की नीड है, स्पेशली दो विदेशी गेंदबाजों की नीड है ताकि इस टीम को स्ट्राइकिंग गेंदबाज मिल सके। पिछले साल इस टीम के पास शेल्डन कोटरल और क्रिस जॉर्डन थे, लेकिन गेंद के साथ दोनों ही गेंदबाज फ्लॉप रहे थे। तो मेगा ऑक्शन होने पर पंजाब की टीम भी ट्रेंट बोल्ट या फिर और भी काफी अधिक गेंदबाजों को खरीद सकती थी, स्पेशली दिल्ली कैपिटल्स की टीम के तेज गेंदबाज एनरिच नॉर्चे को भी ये खरीद सकती थी। तो पंजाब की टीम को भी यहाँ पर काफी बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि मिनी ऑक्शन होने पर पंजाब की टीम यहाँ पर मिचेल स्टार्क को ऑक्शन में परचेस कर सकती है क्योंकि इस टीम के पास पिछले साल के 15 करोड़ का पर्स बैलेंस अभी भी बचा हुआ है और अगर ये टीम 8-10 प्लेयर्स को रिलीज कर देगी तो ऑक्शन में ये टीम 40-45 करोड़ लेकर जा सकती है। 15 करोड़ तक ये टीम मिचेल स्टार्क को दे सकती है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग पंजाब की टीम ऑक्शन में मिचेल स्टार्क को खरीदेगी या फिर नहीं और आपके अकॉर्डिंग पंजाब की टीम को कौन से प्लेयर्स को परचेस करना चाहिए। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है केकेआर की टीम का। दरअसल मेगा ऑक्शन ना होने से केकेआर की टीम को भी नुकसान हुआ है। पिछले साल इस टीम की शुरुआत काफी खराब रही थी, इस टीम के लिए ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर की काफी अधिक समस्याएं रही थी। इस वजह से ये टीम इस ऑक्शन में विस्फोटक ओपनर्स को परचेस करने वाली थी और यहाँ पर कुछ विदेशी गेंदबाजों को भी ये टीम परचेस कर सकती थी, लेकिन इस टीम को यहाँ पर मिनी ऑक्शन से नुकसान हुआ है। हालांकि केकेआर की टीम को यहाँ पर मिनी ऑक्शन से सीएसके और पंजाब जितना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ओवरऑल इस टीम को भी मिनी ऑक्शन से नुकसान हुआ है। और अब बात करते हैं जो सीएसके ने बीसीसीआई को लेटर लिखा है उससे यहाँ पर ऑक्शन के फॉर्मेट में बदलाव होगा या फिर नहीं। तो बीसीसीआई अपना फाइनल डिसीजन बना चुकी है, अब ऑक्शन के फॉर्मेट
रेट में कोई भी बदलाव नहीं होगा, इस साल हमें मिनी ऑक्शन ही देखने को मिलेगा। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सीएसके की टीम यहाँ पर मिनी ऑक्शन में किस तरीके के प्लेयर्स को परचेस करती है और किस तरीके से बैलेंस अपने स्क्वाड में क्रिएट करती है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इन तीनों टीमों को अपने स्क्वाड्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑक्शन में कौन कौन से प्लेयर्स को परचेस करना चाहिए। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।